माउथ ऑर्गन प्लेयर है। आप मदन कुमार जी का नाम गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत जानकारी उनके बारे में मिलेगी। और आज हम उनसे जान रहे हैं उनकी लाइफ के बारे में। सर, आपने कहा कि आपके बड़े भाई से पहली बार आपको माउथ ऑर्गन मिल गया और फिर वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन सीखा कैसे आपने फिर? ये मैं अपने आप सीखा पहले। अच्छा। और बहुत ट्राई करता था और कुछ गाने बजाने लगा तो सब लोग खुश होते थे कि तुमको आ रहा है। हाँ। और फिर ऐसा इंटरेस्ट होने लगा मेरा और फिर मैंने एक 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 गाना दो गाना ऐसा 10 गाने बनाए। फिर लोग पूछते थे, रास्ते पे भी मैं बजाते जाता था, स्कूल जाता था तो भी बजाता था, और फ्री पीरियड होता था या कभी टीचर चेंज होते थे उसमें जो टाइम मिलता था तब भी मैं माउथ ऑर्गन बजाता था। हाँ। लेकिन मेरा वो पैशन हो चुका था, उसके सिवा मैं चल नहीं सकता था, रह नहीं सकता था। तो आपको लोग बड़े रास्ते में फरमाइश करते होंगे कि हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब उन्होंने देखा कि मैं बजाता हूँ तो जब दूध लेने जाता था या कुछ लेने जाता था रुका देते थे और कहते थे वो गाना सुनाओ। फिर मैंने एक डायरी बनाई थी, एक लिस्ट बनाई थी, मैंने बोला ये मेरा मेनू है, इसमें से जो आपको चाहिए उसमें बताइए तो मैं बजाऊंगा। ऐसा करके मैंने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप किया। क्या बात है। तो हमारी भी एक फरमाइश है, कौन सा गाना आप हमारे लिए, हमारे लिसनर्स के लिए बजाना चाहेंगे? कल हो ना हो का। क्या बात है। मदन कुमार जी बैठे हैं मेरे साथ यहाँ हमारे स्टूडियोज में और 94.3 रेडियो 1 पुणे एट इट्स बेस्ट। जब हम होंगे 100 साल के याद करेंगे। मिला है कि मदन कुमार जी हमारे साथ बैठे हैं। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग तरुण, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देख करके। आपके म्यूजिकल जर्नी के बारे में हम बात करेंगे कि ये माउथ ऑर्गन जो कि एक बहुत रेयर इंस्ट्रूमेंट है, बहुत कम लोग बजाना जानते हैं और प्रोफेशनल लेवल पे तो बहुत ही कम लोग इसको इतना समझ पाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहूंगा कि जरा हमारे लिसनर्स के लिए बताइए कि किस किस तरह का काम आपने किया है अपनी जिंदगी में। हाँ जी तरुण, मैं जब छोटा था 7 बरस का तब मेरे भैया भाई थे मेरे, उनका माउथ ऑर्गन था, वो मुझे नहीं देते थे लेकिन मैंने कैसे तभी वो हासिल कर लिया। और 7 साल की उम्र से मैंने हैरान हो गया कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत बढ़िया है, ये कभी मैंने देखा नहीं था। हाँ। और उसको मैंने अपना लिया और आज तक मैं उसको अपने हाथ में रखता हूँ और रियली उन्होंने तो मेरी जिंदगी बना बदल दी। मैं अपने सारे लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि मदन कुमार जी के साथ हमने थोड़े दिन पहले एक लाइव प्रोग्राम भी किया था जहाँ पर उन्होंने बहुत बेहतरीन धुनें बजाई थी। सर हमारे रेडियो की ऑडियंस के लिए कुछ बजाना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम की शुरुआत में? ठीक है जरूर बजाऊंगा मैं। तो मैं पेश करता हूँ एक जिंदगी एक सफर है सुहाना, तो एक छोटी सी झलक। इस पूरे घंटे मदन कुमार जी हमारे साथ रहने वाले हैं और 94.3 रेडियो